स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावसर डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपने थंबनेल पे देख लिया था, भोकाल 2.0 की जो क्लासेस चल रही थी वो रेगुलर चल रही है। बाबू आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाकलन। बाबू समाकलन से 3 सवाल कंफर्म है आपकी एयरफोर्स के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 4-5 ये मेरी जो वीडियो आने वाली है भोकाल सीरीज की समागम टॉपिक की, देख लेना। इससे बाहर एक भी सवाल अगर चला जाए तो वीडियो में आके आपको जो कुछ बोलना है, प्रवचन देना है, वो दे सकते हो। बाबू स्क्रीन पर 6 सवाल लिखे हुए हैं, इस वीडियो में 10 सवाल हम डील करने वाले हैं। और बाबू अगर आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि लास्ट एग्जाम में हमने क्या बताया था, भोकाल मचाया था, इसलिए इस सीरीज का नाम भी भोकाल रखा है। बाबू 6 सवाल है, 3 इधर लिखे हुए हैं और 3 इधर लिखे हुए हैं। आपको आवाज तो अच्छी आ रही है? चलो जी देखो बाबू, हमें समागम करना है इसका। बेटा समागम की फॉर्मूले वगैरह मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, इसका जो कंसेप्ट का जो वीडियो होगा मैं जल्दी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, देखो बाबू कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 1 साइन स्क्वायर लिख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू में डीएक्स। बाबू डिवाइड में कितना है, 1 साइन एक्स। अब बेटा ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या सर? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अच्छा जी सर, ये तो हमें सर दे रहा ही था। अच्छा जी सर, दे रहा था ना, तब तो और भी बढ़िया। बाबू नीचे कितना है, 1 साइन एक्स है, 1 साइन एक्स है। बेटा प्लस वाला प्लस से कट गया, बचा कौन? माइनस वाला। कौन बचा? माइनस वाला बचा। अच्छा जी, अब करना है इसका समाकलन। बाबू एक का अगर एक का समान करेंगे डीएस के सापेक्ष तो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस एडिटिव साइन का जो समान होता है होता है माइनस का कोसक्स। क्या होता है? माइनस का कोसक्स और प्लस का सी। तो बाबू इसका जो समागम होगा वो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कोस एक्स। बाबू फॉर्मूले याद नहीं है ना, इसका मतलब क्या होगा सर, फॉर्मूले रिवाइज करवा देना ताकि और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सवाल नंबर दो बाबू, इस वाली वैल्यू को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो दे रखा है इसका जो मान है वो कितना होता है, पाई बाई टू होता है। और पाई बाई टू क्या है, अपना कॉन्स्टेंट है। बाबू समागम करते हैं कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट आ जाता है सर जी, बाहर आ जाता है। तो क्या बचा बाबू अपने पास, डीएक्स बचा। क्या बचा? डीएक्स बचा। बाबू अपने पास पाई बाई टू तो बाहर आ गया था, वो तो एज इट इज, और डीएक्स का जो समागम होता है वो होता है सर एक्स और प्लस का सी, विल बी राइट आंसर। बाबू ये अपने क्या हो गए, 2 सवाल कंप्लीट। अब सवाल नंबर तीन क्या लिखा हुआ, वो टेन स्क्वायर और इंटू में डीएक्स लिखा हुआ है। तो बेटा ये लिखा हुआ ना, इसको डायरेक्ट समागम नहीं होता। क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। सेक स्क्वायर लिख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल सर, सुनने का दूसरी से। बाबू सेक स्क्वायर का जो समागम होता है वो क्या होता है सर? टेन एक्स होता है। क्या होता है? टेन एक्स होता है और माइनस का 1। बाबू मैंने अभी कहा डीएक्स का जो समागम होता है, डीएक्स का यानी 1 है, और 1 का बाबू क्या होता है, एक्स होता है और प्लस का सी। ये सवाल नंबर क्या हो गया अपने पास, 3 समागम। 3 तो सवालों का मैंने कंसेप्ट बता दिया है, सवाल नंबर 4 की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ने वाले हैं। देखो जी बाबू, बाबू इसका क्या करना है, हमें समागम करना है। तो बेटा नीचे वाले की तरह बनाओ इसको, तो सर इसमें एक तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हो गया डीएक्स हो गया। क्या हो गया? ये हो गया सर डीएक्स हो गया। बाबू नीचे की नया 1 एक्स स्क्वायर। देखो बेटा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं और ना ही आपने क्या करे फॉर्मूले आज के। सर फॉर्मूले फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, मैं कुछ जो वीडियो 2-3 दिन में आएगी वो कंप्लीट मैं डाल दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। चलो जी, अब बेटा डिवाइड कर दो अलग अलग का, इस वाली वैल्यू में इसका डिवाइड किया तो कितना हो गया सर? 1 बचा यानी कि डीएक्स हो गया, माइनस एज इट इज। बाबू इसका 1 में डिवाइड किया तो कितना हो गया सर? डीएक्स हो गया और 1 एक्स स्क्वायर हो गया। बाबू डीएक्स का समागम मैंने अभी अभी बताया कितना होता है सर? एक्स होता है माइनस का साइन। बाबू इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, कितना होता है बेटा? टेन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी कोसेंट है। चलो जी अब इसका करेंगे समाकलन। बाबू पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब सर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या हो गया सर? ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और प्लस, ये क्या हो गया सर? सेक एक्स और क्या हो गया बेटा? ये हो गया टेन एक्स हो गया। अच्छा जी सर, बाबू मैंने अभी सेक स्क्वायर का आपको समाकलन बताया था ना सर? सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है बेटा वो कितना होता है सर? टेन एक्स होता है। क्या होता है? टेन एक्स होता है। बाबू सेक एक्स और टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है सर? सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स होता है प्लस का
सी यहाँ पे आंसर हो गया। लास्ट सवाल इस स्लाइड का, देखो बाबू जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं ना वो तो होता है वेरिएबल, और जो पावर होती है वो होती है कॉन्स्टेंट। क्या होती है? कॉन्स्टेंट। तो बेटा ये है अपने पास वेरिएबल, ये है अपने पास कॉन्स्टेंट, अगर इसका समाकलन करेंगे तो क्या रहेगा? अक्स की पावर एन, यानी कॉन्स्टेंट में एक ऐड कर देते हैं, उसका ही डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा? ए तो एज इट इज और एक्स प्लस वन और डिवाइड में कितना? ये लो। कई बच्चे इसका क्या कर देते हैं, सर एक्स का तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लोग एक्स के हिसाब से। तो बेटा इस स्लाइड के 6 सवाल मैंने आपको डील करवा दिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सवाल नंबर 7 से लेकर 10 तक की बाबू करते हैं शुरुआत। देखो बाबू इस वाली वैल्यू क्या लिखता हूं, 1 की जगह लिखूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसको लिखूंगा 2 साइन एक्स कोस। अरे यार मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको समझ में तो आ जाएगा खैर, लेकिन शॉर्ट में करना बेटा आपको, एग्जाम में ऐसे नहीं करना मेरी तरह, मैं तो आपको समझा रहा हूं केवल, ताकि धीरे धीरे क्या जाए याद हो जाए चीजें। अच्छा जी सर ये हो गया। बेटा किसी का फोन दिख रहा है क्या आपको? सर ये बिल्कुल दिख रहा है। तो बाबू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बाबू? सर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दो गुना पहले गुना दूसरी। तो बेटा इसको सीधा ही लिख दो, आप कैसे लिख दो? सर साइन एक्स और यहाँ पे आ गया कोस एक्स। लो जी सर आप सिंपल है। लो देखो बाबू साइन का अगर करेंगे तो माइनस का कोस एक्स, और कोस का करेंगे तो साइन एक्स, ये क्या हो गया इसका समकलन हो गया बाबू। सर इसको कैसे करेंगे? देखो बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है अपना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बाबू इसका क्या कर दो, आपको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन मतलब नीचे अगर प्लस की वैल्यू तो ऊपर चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर कर देते हैं। सर ये लो, ये हो गया सर प्लस का और ये हो गया माइनस का। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू को तो मैं कुछ छेड़ नहीं सकता ना? सर बिल्कुल नहीं छेड़ सकते आप, क्यों? क्योंकि बेटा इसका कुछ जुगाड़ नहीं होगा। चलो जी बाबू नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा सर अब बाबू अलग अलग डिवाइड दे लो आप। सर अलग अलग डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा सर माइनस बाबू साइन और कोस क्या हो गया? सर साइन और कोस हो गया टेन, नीचे बचाए कोस, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्स। अब इसका कर दिया सिंप्लीफाई, यानी आंसर आ जाएगा बाबू सेक स्क्वायर का मैंने अभी अभी बताया क्या होता है टेन एक्स होता है माइनस चीन। सर साइक एक्स और टेन एक्स का क्या होता है बेटा? सर ये होता है सेक एक्स और प्लस का, सी विल बी राइट आंसर। चलो जी बाबू इस वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा वो फॉर्मूला? सर टू साइन स्क्वायर जितना एंगल है उसका जस्ट आधा हो जाएगा। चलो जी सर अगर नीचे अगर प्लस है बाबू यहाँ पे तो कोस आएगा, याद रखना टू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में डीएक्स। बाबू दो से दो कट गया ना, इस दो से ये दो कट गया, साइन बेटा कोस क्या होता है टेन, और टेन का क्या हो गया बेटा स्क्वायर। सर डायरेक्ट आपने बताया था कि टेन का नहीं होता है, तो नहीं होता बेटा, इसको चेंज करूंगा किसमें? सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर और माइनस का वन, कितना माइनस का वन और इंटू में डीएक्स। बाबू सेक स्क्वायर क्या होता है? सर सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स माइनस वन का क्या होता है एक्स और प्लस का सी, ये हो गया कॉन्स्टेंट। चलो जी लास्ट सवाल बचा है, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू नीचे नीचे वाले की तरह बनाओ, सर इसमें वन ऐड कर देंगे। अच्छा जी सर बाबू वन घटा देंगे। अच्छा सर नीचे कितना है वन प्लस साइन एक्स, बाबू इसका डिवाइड इसमें दे दो, इसका डिवाइड इसमें दे दो। अच्छा जी सर बाबू इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा डीएक्स और वन प्लस साइन एक्स। बेटा ऐसे बताओ क्या इसका जो अक्ष आंसर है समाकलन अक्ष हो गया माइनस? इसका अभी अभी मैंने किया है, इसका मैंने अभी अभी किया है, कितना तय सर ये लिखा हुआ है, सर ये हो गया टेन एक्स बेटा ये माइनस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस का सी विल बी राइट आंसर। ये आपका 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, मिलते हैं ना स्टूडियो में, तब तक बने रही। अच्छा 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 रुको स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? ले लो भाई स्क्रीनशॉट बचा के रख रहे हैं सवालों को, आपकी एयरफोर्स की एग्जाम में भोकाल बचाएंगे। जय हिंद वंदे मातरम।